शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रोकी ठाकरे की स्क्रीनिंग सिनेमा घरों के दरवाजे पर। सोनू पंजाबन सेक्स रैकेट की दुनिया की वह शहजादी दी जिसके सभी पति पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। वसुंधरा राजे ने हारे हुए प्रत्याशियों को बताया कि विधायक कहा लोकसभा में। देखते हैं खबर विस्तार। थाने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर बनी फिल्म ठाकरे रिलीज हो गई है। अभिजीत पानसे के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में है। फिल्म की फर्स्ट स्क्रीनिंग के दौरान यहां लोगों के बीच जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। तो वही सिनेमा के बाहर ठाकरे का पोस्टर नहीं लगाने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शो को बंद कर दिया। नई दिल्ली सोनू पंजाबन नाम एक कारनामे में बड़े से बड़ा अपराधी भी इसके सामने होना लगे। सेक्स रैकेट की क्वीन के नाम से जानी जाने वाली ये लड़की आजकल फिर से चर्चा में बनी हुई है। इसकी लोकप्रियता का पैमाना इसी से समझा जा सकता है कि फुकरे फिल्म में बोली भाली दिखने वाली पंजाबी का कैरेक्टर इसी पर आधारित था। जयपुर विधानसभा चुनाव में मिली हार से भाजपा के भीतर छाई निराशा को दूर करने और लोकसभा चुनाव की तैयारी को तेज करने के लिए पार्टी के नेताओं ने हारे हुए प्रत्याशियों की हौसला। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में हार से निराश प्रत्याशियों में जोश भरने के लिए उन्हें पार्टी का विधायक बताया। साथ ही सभी से पूरी सक्रियता के साथ लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। तो देख खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS की खबर देखने के लिए आज MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को